हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मा। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड बीपीडी। तो इसके अंदर क्या करना है, हमको एक ट्राइंगल ड्रा करना है। सॉल्यूशन इसके अंदर एक ट्राइंगल ड्रा करना है। एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल ड्रा करेंगे, उसको दे देंगे ए बी सी दे देंगे। उसी तरह यहाँ पर दे देंगे, इसको हम दे देंगे इसके अंदर पी और क्यू दे देंगे। पी एंड क्यू ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन क्या लिख सकते हैं, ए बी सी इज ए ट्राइंगल है, ये ए बी सी इज ए ट्राइंगल है। उसी तरह यहां पर क्या है, बी सी के पैरेलल है पी क्यू, बी सी के पैरेलल है बी पी क्यू। अब यहां पर हम ए पी बाई पी बी ले सकते हैं। ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी क्या हो जाएगा, ये बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बाई बी पी टी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ए पी और पी बी दोनों एक बराबर हो सकते हैं। ए पी इज इक्वल टू पी बी बराबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पी बी इज इक्वल टू ए पी दोनों बराबर हो सकते हैं। ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी भी बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम क्या लिखेंगे, ए क्यू बाई क्यू सी, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी बाई पी बी लिखेंगे, ए पी बाई पी बी। या आप ये इधर लिख सकते हैं, ये इस तरफ भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू ए पी, ये ए पी पे है, ये ए पी है, ये ए पी है। तो यहाँ पर पी बी दोनों हम यहाँ पर क्या करें, बराबर करें, ए पी और पी बी को बराबर करें। तो ये पी बी को हटा के, इसको हटा के हम रख सकते हैं ए पी रख सकते हैं, दोनों को हम बराबर करें। ए पी और ए पी कैंसिल हो जाएगा, ए क्यू बाई क्यू सी इज इक्वल टू क्या बच जाएगा यहाँ पर, वन। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, लास्ट में ए क्यू बराबर हो गया। तो यहाँ पर सिंस ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, क्यू बाइसेक्ट ए सी बोलकर हम लिख सकते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलिए, ताकि नए आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी पहुंचे।